तावू जगह है, उसके पास एक ग्लेज है, तो वहाँ की वेशभूषा ज्वेलरी सब उसको बनी है। अच्छा लग रहा है, सब लोग मंदिर में आते हैं और यहाँ अपनी पेंटिंग्स लगाते हैं, जो काफ़ी खुशी हो रही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं वो यहाँ पर जहाँ जहाँ भी हम लोग जैसे रेलवे सर्विस में थे हस्बैंड, तो हम लोगों का ट्रांसफ़र कश्मीर से कन्याकुमारी तक, फिर इधर गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक हुए, तो वहाँ जो जो वहाँ का कल्चर था और जो वहाँ की आर्ट थी वो सब मैंने वहाँ पर रह के सीखा देखा, तो उनसे बहुत इंस्पिरेशन मेरे को मिली है। और जैसे कि वहाँ पे जो मूर्ति कला होती थी तो वो मुझे ज़्यादा इंस्पायर किया उसने, तो आप आज जो मेरी पेंटिंग्स हैं उसमें उसकी झलक आप लोग देख सकते हैं। ये पेंटिंग करने का शौक कब से है आपको? पेंटिंग करने का शौक तो ये सोचिए मेरे को बचपन से ही है, तो बचपन में शुरू में मेहंदी वगैरह लगा करके मम्मी के हाथों में, और उसके बाद धीरे धीरे ब्रश हाथ में आ गया और पेंटिंग बनती चली गई। कोई ऐसी पेंटिंग बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा आपको पसंद आई हो, उसका विषय में कुछ जानकारी हो। आज इस वाली एग्जीबिशन में, इस वाली में या जीवन में कभी कोई ऐसी पेंटिंग आई हो जिसमें आपको प्रेरणा मिली? एक पेंटिंग मैंने बनाई थी लास्ट जो मैंने फर्स्ट एग्जीबिशन की थी उसमें बनाई थी, एक लेडी की पेंटिंग। वो मेरी पेंटिंग मतलब मेरे बहुत दिल के करीब है, और मैंने जो देखा कि लोगों को भी बहुत पसंद आया, और अभी तक उसका जिक्र करते हैं ये लोग, सब मुझसे पूछते हैं वो पेंटिंग कहाँ है, वो मेरी सेल हो चुकी है। आज तो अच्छा, आने वाले समय में क्या कभी जैसे यहाँ पे प्रयागराज में मेला लगता है तो कभी ऐसे आधारित कोई पेंटिंग बनाना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ मेला और फिर गंगा का किनारा, संगम वगैरह इतना अच्छा है जो हमारे आर्टिस्ट को अट्रैक्ट करता है, तो उसकी पेंटिंग का तो अलग ही बात है। वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आने वाले समय में वो बनाऊं और स्पेशली प्रयागराज में आकर के उसको यानी आपको पेंटिंग वो झलक जरूर दिखाई पड़ेगी। अच्छा मैम ये बताइए, कुछ पेंटिंग में ये चीज़ होती है कि जैसे उसमें कुछ महत्व हम बताना चाहते हैं, तो ऐसी कोई ऐसी पेंटिंग आपने बनाई जिसमें कुछ कहानी या महत्व उसका दिखाई देता हो? देखिए मेरी ज़्यादातर पेंटिंग्स क्या है, गॉड से रिलेटेड होती है, तो क्योंकि हर पेंटिंग के पीछे कोई ना कोई महत्व और राज होते हैं। हाँ तो उसमें क्या होता है कि अच्छा एक पेंटिंग अभी मैंने रेलवे की बनाई है, क्योंकि मेरी पूरी जो लाइफ है वो रेलवे में बीती है, तो वो आप देख भी रहे, एक पेंटिंग मेरी है, तो वो उसमें मतलब हमारा हमने जो रेलवे में रह करके महसूस किया वो।